हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, ममता सिंह ब्लॉग में। और ये देखिए, सुबह सुबह सीधा मैं इस ईशान के स्कूल में हूँ, वहीं से ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो ये थोड़ा सा मैं अंदर से क्लास के अंदर से मैं ये वीडियो कर रही हूँ, थोड़ा सा ईशान क्या करता है क्लास के अंदर। तो ये कुछ पार्टिकल्स है ग्रीन एंड रेड में, किसी को कलर पहचानने के लिए जो इस तरह से सिखाया जाता है। पहले ग्रीन चाहिए, तो इस तरह से कलर इसको पता चलेगा कि ऐसा कौन क्या कलर है। तो इस तरह से इसके क्लास होते रहते हैं। और अभी आउटसाइड जाएगा तो वहाँ पर खेलेगा। तो चलिए देखते रहिए शाम के स्कूल का। तो यहाँ देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं, और बाहर में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे खेल भी रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, इसमें बहुत ही फ्री होते खेलते हैं बच्चे। और ये देखिए बहुत सारे बच्चे वहाँ पर डांस वांस भी हो रहा है, म्यूजिक भी लगा के डांस वांस कराते हैं और खिलाते भी हैं। तो ये सब होते रहते हैं। और यहाँ पर ईशान को झूला झूला रहे हैं मैम, और ये स्लाइडिंग कर रहा है यहाँ पे। तो कुछ कुछ और भी बच्चे आ गए हैं, लाइन में लगे हैं। और वो देखिए वो बदमाश बैठा ही रहता है, दिखता रहता है, जल्दी खेलता भी नहीं। तो वहाँ से क्लास ओवर हो गया है और हम लोग आ गए हैं। ये देखिए बस में बैठे हैं हम लोग। तो बस अभी चल नहीं रही है, अभी रुकी हुई है, थोड़ी देर बाद चलेगी शायद, पैसेंजर को सब उठा ले फिर चलेंगे। और यहाँ पर मैं इसे हाई करने के लिए बोल रही हूँ, तो ये एक बॉक्स में मारा मोबाइल पे, बदमाशी करते रहता है। तो ये देखिए हमारे पीछे दो लेडी बैठी थी, तो उससे ये को बात कर रहा था। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है। तो यहाँ पर पकवान बना रही हूँ, क्योंकि कल है जीतिया, तो आज है नहाए खाए। तो दिन में सुबह में बनाई थी, ये देखिए मड़वा की रोटी और ईशान को देखिए। हाय हाय हाय, क्या चाहिए? मोबाइल नहीं मिलेगा, मोबाइल नहीं मिलेगा, अभी काम है मुझे, मोबाइल का काम है। तो ये बना रही हूँ खस्ता, ये देखिए अभी खस्ता बना रही हूँ। 5 प्रकार के पकवान बनते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने खस्ता बनाया, और ये सुबह बनाई थी मैं मड़वा की रोटी। और यहाँ पर ये ठेकुआ के लिए आटा गूंद के रखा है, और ये गुलौरा कहा जाता है। ये पूरी बनाऊँगी, और ये थोड़ा सा पुआ। और यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी है, लौकी कट करके रखे हैं, तो इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और ये गुलौरा कहा जाता है हमारे भाषा में, पर ये मुझसे अच्छा बना नहीं, पता नहीं। पहले बनाते थे जो लोग, मम्मी दादी लोग, तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, पर मेरा बहुत ही हार्ड हो गया, पता नहीं अभी तक कोई खाया नहीं। और ये है पूड़ी, तो पूड़ी छान रही हूँ, मतलब 5 तरह के हो जाना चाहिए पकवान। तो ये देखिए पूड़ी है, ठेकुआ है, खस्ता है, गुलौरा है, और पुआ है। पुआ भी मुझसे अच्छा नहीं बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है ये खस्ता। खस्ता तो बहुत ही टेस्टी बनता है मेरे हाथों से। तो ये सब मैंने बना लिया है, थोड़ा थोड़ा ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया है। और ये देखिए ये सुबह का मौसम है, ये दूसरे दिन का वीडियो है सुबह, ये फ्राइडे का वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, और सुबह का 7 बज रहा है। तो मैं निकली बाहर तो बहुत ही ठंडी लग रही थी, इतना ठंडा कि क्या बताऊँ, बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। तो फ्रेंड्स, आज है बर्थ जीतिया का, और फास्टिंग है मेरा, तो आज कुछ भी काम नहीं किया है मैंने, क्योंकि दिन बहुत ही ख़राब है, मौसम बहुत ही हवा चल रही है और ठंड बहुत लग रही है। ये देखो मैं ब्लैंकेट में हूँ, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और सब लोग अभी उठे थोड़े पहले, मेरे हस्बैंड भी गए हैं काम में, और अभी ईशान को खिलाऊंगी। खाओगे ईशान? अरे नाश्ता करोगे? नाश्ता ईशान, ठंड कल का ठेकुआ को अब बना है, तो वही नाश्ता हो जाएगा। तो नाश्ता भी कुछ नहीं बनाया मैंने, बस फ्रेंच फ्राई बनाई थोड़ी सी,
बच्चे लोग के लिए, तो ये लोग अभी खाएंगे। आओ ईशान, आ जा ले। तो अभी खिलाने जा रही हूँ ईशान को, और सोनी भी ले रही है फ्रेंच फ्राई। आओ ईशान, आ जाओ आ जाओ। बहुत ठंड है आज, बाहर से एकदम हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है, बाहर तो निकलने का ही मन नहीं कर रहा है। आ जाओ जल्दी, देखो क्या है ये, देखो 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 ईशान, ये देखो तो पहले लो, इस कौन खाएगा, ये कौन खाएगा। मत खाओ, मैं खा जाती हूँ। आम नम नम नम। लो लो देखो फ्रेंच फ्राई। ये तो मेरा ईशान का फेवरेट है। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। यस बोलो, यस बोलो, यस टेस्टी। ऐसे करो, ऐसे 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 करो, टेस्टी करो करो, तो कैसे करते हो। तो अभी ईशान को नाश्ता कराऊंगी, फिर उसके बाद और भी काम करूंगी। क्या हुआ? तो अभी शाम हो गया है और मैं भी जाऊंगी नहाने, उससे पहले जीतिया को चेंज कर दूँ, फिर उसके बाद पूजा की तैयारी शुरू करेंगी। ईशान पूजा करेंगे ना, दोनों मिलके पूजा करेंगे, ठीक है। तो जीतिया जो है उसका पुराना वाला एक्सचेंज करूंगी, नए में उसको गुथ लूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ जीतिया गुथने के लिए, क्योंकि चार जीतिया गुथना है मुझे, दो क्योंकि मेरी भाभी दी है और वो लोग गए हैं गांव, तो जीतिया भी नहीं की मेरी भाभी, तो बोले कि कथा सुना देना। वैसे जीतिया को दूसरे लोग भी कथा सुना सकते हैं, इस तरह से हो जाता है पूजा। तो मैं उनका भी दो जीतिया नए में गुथ दूंगी और अपना भी दो, तो उनका दो है, उनके उनका एक और मेरी माँ का एक, तो उसको भी मैं गुथ दूंगी। और मेरे पास है वो भी दो है, एक मम्मी का और एक मेरा, तो सब में गुथ के फिर उसके बाद इसको रख दूंगी। और पुराने वाले जो होते हैं निकलते हैं उनको नदी में डाल देते हैं, पर यहाँ तो नदी में कुछ भी डालना मना है, नहीं तो फाइन लग जाएगा, तो इसलिए अब उसको ऐसे ही रख देंगे या फिर मिट्टी विट्टी में गाड़ देंगे, देखेंगे क्या करेंगे। तो पुराना वाला को कागज़ में लपेट के अच्छे से रख देंगे। और यहाँ पर ईशान को देख सकते हैं, आप बहुत ही परेशान करते रहता है, जब तक इसको मोबाइल ना दूँ ये शांत बैठता नहीं है, मुझे डिस्टर्ब करते रहता है। और मैं सोची कि थोड़ा सा वीडियो बना के इसको दे देती हूँ मोबाइल, तो वही मैं फटाफट से गूँथ रही हूँ और ये बार बार मुझे दे रहा है धागा कि इससे गूँथो। तो ये सब कर लूँ उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी, फिर उसके बाद पूजा करूँगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक, और ये कंटिन्यू होगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ही लंबा हो गया है वीडियो और ज़्यादा करूँगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए। और यहाँ पर ये देखिए साड़ी में निकाल के रख रही हूँ, और यह है ब्लाउज़ जो मैंने उस दिन सिया था, और ये बिंदी चूड़ी सब मैं निकाल के रख रही हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और ये इयररिंग्स है, नेल पेंट है। और तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।